नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जून, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिबोस की 10वीं परीक्षा के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जारी। 14 जिलों में बारिश की संभावना, वहीं 9 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट। पटना रांची वंदे भारत को इस दिन हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। नीट रिजल्ट 2023 में राज्य के परीक्षार्थियों की रैंकिंग सुधरी। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में रहाणे ने लगाई लंबी छलांग। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईटीबीपी में 458 पदों के लिए भर्ती। आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के 458 पदों पर भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए आवेदन 27 जून से शुरू होंगे, जबकि अभ्यर्थी 26 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही उसके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolic.nic.in पर जाकर 27 जून से भर्ती के लिए फॉर्म भर सकेंगे। बिबोस की 10वीं परीक्षा के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड जारी। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड दिसंबर 2022 की परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त कराई जा सके, इसके लिए बिबोस की ओर से सभी स्टडी सेंटर को यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिए गए हैं, जिसके जरिए परीक्षा संबंधित सारी गतिविधियां पूरी की जाएंगी। मालूम हो कि संबंध में बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी कि बिबोस की ओर से सभी जिला शिक्षा कार्यालय को जानकारी दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिबोस की ओर से दिए गए इस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद सही स्टडी सेंटर के द्वारा लॉगिन की जाएगी और अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जांच की जाएगी, और अगर इसके बाद इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो स्टडी सेंटर की ओर से इसकी जानकारी बिबोस कार्यालय को दी जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रिचा सोनी के बारे में। रिचा सोनी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। उन्होंने शरारत में अपनी शुरुआत की। वह कलर टीवी के डेली सोप भाग्य विधाता में बिंदिया की भूमिका के लिए जानी जाती है। वह नचले वे विद सरोज खान, सीजन 2 बदलते रिश्तों की दास्ता, जात की जुगनी और सिया के राम जैसे शो में भी नजर आ चुकी है। उन्होंने द साइलेंट स्टैचू जैसी लघु फिल्मों में भी काम किया है, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित भी किया गया था, और साथ ही उन्होंने दूसरे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 2019 में लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता है। अब तक उन्होंने 2 अलग अलग भाषाओं हिंदी और तेलुगु में काम किया है। रिचा सोनी एक प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना भी हैं। बिहार में शराबियों और तस्करों पर बीडीओ सीओ भी करेंगे कार्रवाई। बिहार में शराबियों और शराब के तस्करों पर नकेल कसा जा सके, इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा कई काम किए जा रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में अब बिहार में शराबियों और तस्करों के खिलाफ राज्य के सभी जिलों के प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ और अंचलाधिकारी यानी कि सीओ के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस बारे में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, यानी कि बीडीओ और सीओ के द्वारा कभी भी संदेह के आधार पर तलाशी लिया जा सकेगा, और साथ ही मद्य निषेध नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार भी किया जा सकता है या उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। किसी संस्था के निबंधन से पहले होगी स्थल जांच। अगर आप भी राज्य में किसी तरह के निजी संस्था या एनजीओ का निबंधन कराने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस कार्य को करवाने के प्रावधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब किसी भी निजी संस्था को निबंधित करने से पहले उसकी समुचित तरीके से जांच की जाए, यानी कि अब संस्थान का स्थल निरीक्षण किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि संस्थान सिर्फ कागज पर ही तो नहीं चल रहा या उसका जो पता दिया गया है वह फर्जी तो नहीं है। बता दें कि इस संबंध में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सहायक महानिरीक्षक चंद्र प्रकाश के द्वारा सभी जिलों के अवर निबंधक और सभी प्रमंडलीय सहायक निबंधक महानिरीक्षक को लिखित आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसका पालन करने को कहा गया है। किसी संस्थान की समुचित तरीके से जांच करने के बाद ही निबंधन की प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी की जाएगी।
बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे गोगा बिल झील पक्षी अभयारण्य के बारे में। गोगा बिल झील पक्षी अभयारण्य कटिहार जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार जिले में मनिहारी में अहमदाबाद गांव में स्थित है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहां पर आपको बहुत बड़ी झील देखने के लिए मिलती है। झील बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इस झील में ठंड के समय आपको स्थानीय और विदेशी पक्षियों की प्रजातियां देखने के लिए मिल जाती है। गोगा बिल झील पक्षी अभयारण्य प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ आपको खेत का दृश्य देखने के लिए मिलता है और झील देखने के लिए मिलती है। झील में आपको बहुत सारे कमल के फूल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ओपन बिल, किंगफिशर, साइबेरियन बर्ड्स, बदक, पंडुब्बी और भी बहुत सारी पक्षी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। यह झील 73.78 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। बच्चों के समर कैंप आयोजन में राज्य का यह जिला अव्वल। 1 जून से शुरू हुए राज्य भर में कक्षा 6 और 7 के बच्चों को हिंदी और गणित सिखाने के लिए समर कैंप में बिहार का जो जिला अव्वल रहा है वह सुपौल और खगड़िया है। वहीं जो जिला इसमें सबसे पीछे रहा है वह मुंगेर और पूर्णिया है। बता दें कि सुपौल में 100% केंद्रों के संचालन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो वहीं खगड़िया में 99.78% केंद्रों के संचालन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वहीं अगर हम बात करें मुंगेर और पूर्णिया की तो इन दोनों जिलों में 14% और 15% केंद्रों के संचालन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रिपोर्ट बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दी गई है। मालूम हो कि समर कैंप का आयोजन 30 जून तक किया गया है। शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी है ऐसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी और तस्करों की गिरफ्तारी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के छपरा का है, जहां मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर मोटर बोट की सहायता से पीछा कर नदी के रास्ते से उत्तर प्रदेश जिले के डोरीगंज दियारा क्षेत्र में लाई गई नाव से 36 कार्टन शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 3.50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमरनाथ कुमार निवासी नबीगंज बिंटोली जान रिवलगंज जिला सारण, गोविंद कुमार निवासी नबीगंज बिंटोली थाना रिवलगंज जिला सारण, राजू कुमार निवासी चटिया थाना डोरीगंज जिला सारण के रूप में की गई है। गरीब रथ एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग। कुछ दिनों पहले ही बालासोर में भयावह रेल दुर्घटना घटी थी। ऐसे में अभी लोग उस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि बीते दिन अचानक दिल्ली के आनंद विहार से जयनगर आने वाली 1, 2, 4, 3, 6 गरीब रथ एक्सप्रेस में समस्तीपुर बरौनी रेल खंड के दसिंहसराय नसरीगंज स्टेशन पर आग लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही समय रहते समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। बता दें कि आग गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 3, 6 गरीब रथ एक्सप्रेस के G3 बोगी में लग गई थी, जिसके बाद जैसे ही इसकी सूचना यात्रियों को मिली तो उनके बीच हड़कंप का माहौल बन गया, लेकिन इस दौरान ड्राइवर के द्वारा सजगता दिखाते हुए ट्रेन को रोक दिया गया। इसके बाद ट्रेन में बैठे यात्री बाहर की ओर भागने लगे। मालूम हुआ कि अब तक आग लगने के कारण को स्पष्ट नहीं किया जा सका है। वहीं जली हुई बोगी को अधिकारियों के द्वारा हटाकर ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया गया। गन्ना किसानों को मिलों ने कर दिया 98.77% ईख मूल्यों का भुगतान। गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता के द्वारा किए गए समीक्षा बैठक में यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि राज्य की चीनी मिलों के द्वारा पेराई सत्र 2022-23 में औसतन 98.77% गन्ना किसानों को ईख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है और साथ ही चीनी मिलों के द्वारा 662.96 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर कुल 62.74 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। मालूम हो कि समीक्षा बैठक में मंत्री के द्वारा गन्ना की पेराई, ईख की खेती, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को लेकर विशेष तौर पर प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ उन्होंने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदाधिकारियों से कर्मचारियों के पदस्थापन पर समीक्षा की और निर्देश दिया कि इस संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने से पहले रत्नेश सदा का बयान। 16 जून को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, जिसमें सहरसा के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले रत्नेश सदा के द्वारा नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद का शपथ लिया जाएगा। लेकिन शपथ लेने से पहले बीते दिन रत्नेश सदा के द्वारा ईटीवी से हुए साक्षात्कार में बताया गया कि उन्हें मंत्री बनने की कभी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कल तक पता भी नहीं था कि उन्हें मंत्री बनाना है, लेकिन उन्हें राजभवन की ओर से शपथ के लिए सूचना दी गई। तब से जाकर उन्हें यह जानकारी मिली कि उन्हें 16 जून को 10:30 बजे दरबार हॉल में पद का शपथ लेना है। उन्होंने कहा कि उन्हें अधिक खुशी उनके समाज लोगों के लिए है और उनसे ज्यादा खुशी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है।
विवि से मांगी गई शिक्षकों प्राचार्यों के रिक्त पदों की सूची। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से कॉलेज प्राचार्य और शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची मांगी गई है और इस सूची को विभाग तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालयों को 16 जून तक का समय दिया गया है। बता दें, इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र भेज दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 16 जून तक विश्वविद्यालयों के द्वारा कॉलेज प्राचार्य और शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची विभाग तक पहुंचा दी जाए। मालूम हो कि विभाग की ओर से निर्देश दिया गया था कि प्राचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर के साथ अधियाचना भी विभाग में उपलब्ध कराई जाए, लेकिन बीएन मंडल और पूर्णिया विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी विश्वविद्यालय के द्वारा यह काम नहीं किया गया। ऐसे में अब अगर विश्वविद्यालयों के द्वारा 16 जून तक विभाग को रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी समीक्षा की जाएगी। 14 जिलों में बारिश की संभावना, वहीं 9 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट। मॉनसून का बिहार में प्रवेश कर जाने के बावजूद भी कई जिलों को हीट वेव से राहत नहीं मिली है। हालांकि इस दौरान कई जिलों का न्यूनतम तापमान बढ़ा है तो कई जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी भी आई है। मौसम विभाग द्वारा बीते दिन जारी किए गए 2 दिनों तक के पूर्वानुमान में 16 से 18 जून तक के लिए सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बादल के साथ बिजली गरजने की संभावना है। वहीं पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है, जबकि औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा और नवादा हाई अलर्ट पर है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, कैमूर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर, बांका और जमुई के लिए कोई अलर्ट नहीं है। यहां मौसम सामान्यता बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पूरे बिहार में मानसून का असर देखा जा सकेगा। पटना रांची वंदे भारत को इस दिन हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। बीते 12 जून को पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। वहीं अब मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि उस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 जून को देश की राजधानी दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा। बता दें कि चल रही खबरों के अनुसार इस ट्रेन का उद्घाटन बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर पटना में होगा, क्योंकि इस ट्रेन के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे को दी गई थी। मालूम हो कि इस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से पटना से रांची जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इसके बाद महज 6 घंटे में पटना से रांची पहुंचा जा सकेगा। बता दें कि ट्रेन करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। नीट रिजल्ट 2023 में राज्य के परीक्षार्थियों की रैंकिंग सुधरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 का रिजल्ट जारी करने के बाद यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिजल्ट में काफी सुधार आया है और साथ ही पिछले साल की तुलना में राज्य के परीक्षार्थियों की रैंकिंग में भी सुधार आया है। बता दें कि पिछले वर्ष इस परीक्षा में जहां कुल 55,709 परीक्षार्थियों को राज्य में सफलता मिली थी, तो वहीं इस वर्ष इसकी संख्या बढ़कर 64,916 हो गई है। वहीं पिछले वर्ष जहां बिहार टॉपर ऑल इंडिया रैंक में 68वां स्थान मिला था, तो वहीं इस बार यह रैंकिंग 14वें स्थान पर पहुंच गई है। मालूम हो कि इस बार ऑल इंडिया टॉप 20 में बिहार के 2 बच्चे शामिल है, जबकि पिछले वर्ष टॉप 50 तक बिहार से किसी भी परीक्षार्थियों का नाम सामने नहीं आया था, बल्कि 68वीं और 100वीं रैंक पर बिहार के परीक्षार्थी का नाम शामिल था। पटना टाटा बस सेवा का हुआ शुभारंभ। पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा बीते दिन पटना टाटा पटना राजधानी वातानुकूलित बस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया। मालूम हो कि यह बस डबल डेकर है, जिसमें कुल 38 स्लीपर सीटें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बस पटना से टाटा जाने के लिए शाम 7 बजे आर ब्लॉक स्थित कौटिल्य विहार के पर्यटन काउंटर के समीप से खुलेगी और सुबह 5 बजे टाटा पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में यह बस टाटा से पटना के लिए रात 8 बजे खुलेगी और सुबह 5 बजे पटना पहुंच जाएगी। वहीं अगर इसके किराए की बात करें तो यात्रियों को लोअर स्लीपर की बुकिंग करने के लिए 1300 रुपए देने होंगे, वहीं अपर स्लीपर की बुकिंग के लिए यात्रियों को 1200 रुपए देने होंगे। इस बस के लिए आप अपनी बुकिंग पर्यटन निगम कार्यालय के पास से करा सकते हैं। पप्पू खान ने थामा जेडीयू का दामन। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में जदयू मुख्यालय में आयोजित मिलन समारोह में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में पाटलिपुत्र लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी व समाजसेवी पप्पू खान के द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों के द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की गई। इस दौरान उमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा सभी को संबोधित करते हुए कहा गया कि विपक्षी एकजुटता की पहल से लोगों के अंदर यह विश्वास जागृत हो गया है कि अब भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकना संभव है। हमें आशा है कि पप्पू खान के आने से पार्टी को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह बीजेपी द्वारा सांप्रदायिक मुद्दों के सहारे समाज को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां सीएम नीतीश के अंदर बीते 17 सालों में एक भी सांप्रदायिक दंगा बिहार में घटित नहीं हुई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और आरएसएस के द्वारा संविधान के विरुद्ध जाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया जा रहा है।
प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से उन्होंने सीएम नीतीश पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकार उन्हें सही समय पर उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रही, तो ये सरकार और नई नौकरियां कहां से देगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी यह सरकार एक दो सालों में 5 से 10 लाख नौकरियां अगर दे देती है तो मैं इनके समर्थन में अपना जन स्वराज अभियान वापस ले लूंगा, क्योंकि अगर बिहार के लोगों के हित में ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार में बड़ा खेला होगा। सीएम नीतीश फेविकॉल की तरह अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हैं, जबकि कई लोग इधर से उधर हो गए हैं। जब हम बिहार में आए तो प्रदेश की राजनीति 180 डिग्री घूम गई थी। सीएम नीतीश ने चुनाव को लेकर जाहिर की शंका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में इंजीनियरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जल्द से काम कर लीजिए, क्योंकि 2024 चुनाव में क्या हो क्या ना हो कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हम अटल जी के सरकार के मंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ग्रामीण सड़कों के निर्माण की शुरुआत की थी। उस समय 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, जो 2015 में 60-40 कर दिया गया। जिस सड़क का निर्माण होगा वह पीएम ग्राम सड़क योजना कहलाएगा, लेकिन पैसा देंगे बस 60%। इसलिए हमने कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है, उनका हम लोग ही काम कर देंगे। अब तो वे सभी अटल जी का भी नाम नहीं लेते। उन्होंने कहा कि सड़क मेंटेनेंस के काम के लिए कर्मी इंजीनियर की तेजी से बहाली कीजिए, आदमी रहेगा तो सड़क को देखेगा और तुरंत मरम्मत करेगा। हमें पुराने इंजीनियर हैं और आप नए, इसलिए हमारी बात को मानिए, काम को तेजी से कीजिए। अब अगले साल चुनाव होगा, इसका कोई ठिकाना है। तमिलनाडु के मंत्री पर ईडी की रेड पर लालू यादव का बयान। डीएमके नेता और तमिलनाडु में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के घर ईडी द्वारा छापेमारी की गई थी, जहां उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दल लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी ट्वीट कर इस मुद्दे पर अपना बयान दिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा तमिलनाडु के मंत्री थिरु सेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रतिशोध की एक और कार्रवाई को देखकर चौंक या आश्चर्य नहीं हुआ। 2024 के आम चुनाव तक यह जारी रहेगा, कोई गलती न करे, थिरु के साथ एकजुटता में हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में रहाणे ने लगाई लंबी छलांग। डब्ल्यूटीसी का खिताब भले ही टीम इंडिया न जीत पाई हो, लेकिन आईसीसी के द्वारा जारी की गई ताजा टेस्ट रैंकिंग में रहाणे के द्वारा लंबी छलांग लगाई गई है। दरअसल रहाणे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में 37वें पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर को भी डब्ल्यूटीसी फाइनल की पहली पारी में अर्धशतक जमाने का फायदा पहुंचा है और वह 94वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन डब्ल्यूटीसी फाइनल में हिस्सा न लेने के बावजूद भी बतौर गेंदबाज के फॉर्मेट में नंबर एक पर बने हुए हैं। वह स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने भी टॉप 3 बल्लेबाजों के लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। स्टीव स्मिथ अब दुनिया में दूसरे बेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं, तो वहीं ट्रेविस हेड ने अपना कब्जा 3रे पायदान पर बना लिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत 1908 में हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस ने 1947 में नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना स्वीकार की। बर्दवान विश्वविद्यालय 1960 को पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। 10वीं लोकसभा चुनाव में 1991 को कांग्रेस को जीत हासिल हुई। संघाई 5 शिखर सम्मेलन बीजिंग में संपन्न। संघाई 5 अब संघाई सहयोग संगठन बना। भारत व पाकिस्तान दोनों को सदस्यता न देने का निर्णय 2001 में लिया गया। भारत और चीन ने 2006 में पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया। प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुरैया का जन्म 1929 में हुआ। भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल का जन्म 1950 में हुआ। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 में हुआ। गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले एक समाज सेवक अन्ना हजारे का जन्म 1937 में हुआ। भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरुद्दीन डागर का जन्म 1932 में हुआ। बालकर में आज हम बात करेंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के एक वीडियो को गलत संदर्भ में साझा किया जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि वीडियो भ्रामक है। इस वीडियो में सुनाई दे रही आवाज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की नहीं है। इंस्टाग्राम नोट्स में ऐड हुए दो नए ऑप्शन।
मीटा ने इंस्टाग्राम नोट्स में दो नए ऑप्शन ऐड किए हैं। अब यूजर्स इंस्टाग्राम नोट में अपने मनपसंद गाने को सेट कर सकते हैं और साथ ही नोट में लिखे शब्दों को ट्रांसलेट कर अपनी भाषा में ये जान सकते हैं कि व्यक्ति ने क्या लिखा है। मीटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि यूजर्स केवल 30 सेकंड तक के म्यूजिक क्लिप को नोट्स में ऐड कर पाएंगे। इसके साथ यूजर्स चाहे तो म्यूजिक के साथ टेक्स्ट नोट भी ऐड कर सकते हैं जिसमें इमोजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नोट्स के अलावा कंपनी ने नोट्स ट्रांसलेशन फीचर भी रोल आउट किया है जिसकी मदद से यूजर्स नोट्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं। बता दें कि ट्रांसलेशन फीचर कंपनी पहले से कमेंट्स और पोस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए भी देती है। नोट्स के लिए दोनों ही ऑप्शन ग्लोबली रोल आउट हो चुके हैं जो धीरे धीरे सभी यूजर्स को मिलने लगेंगे। सप्लीमेंट्री चार्ज शीट से जोड़ा जाएगा मेरा नाम तेजस्वी यादव। बिहार में 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले बैठक में शामिल होने वाले डीएमके के नेता को ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब इस मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बयान देते हुए कहा गया कि मेरे ऊपर विपक्षी दलों की मीटिंग होने से पहले एक्शन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से ही कहते रहे हैं कि जैसे जैसे 23 जून को मीटिंग का समय हो रहा है अब यह सब कुछ होगा। अभी तक मेरा चार्ज सीट में नाम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से देश में माहौल बन रहा है, विपक्ष गोलबंद हो रहा है, तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री में चार्ज सीट लाकर मेरा भी नाम जोड़ दिया जाए। हमारे यहाँ उन्होंने कितने बार रेड मारे हैं, कितनी बार जांच शुरू करके बंद कर दिया गया, अब फिर वही कैश वही जाट यह लोग कर रहे हैं, उन लोगों का वही काम है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनय राज, कुमारी संचना, विकास दास, अखिलेश कुमार, विशाल, शुभम राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनिल राय, कमलेश शर्मा, वेद प्रकाश सिंह, उपेंद्र आम्बेडकर, पवन सिंह, मोहम्मद इरफान, अतीक खान, शशि कुमार, गुड्डू प्रजापति। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अवैध शराब के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से शराबबंदी में सफल हो पा रही या नहीं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।